हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम लेके आए हैं आपके लिए लैला मजनू फिल्म का रिव्यू, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और कुछ दिन पहले वो दोबारा रिलीज की गई है। इसके डायरेक्टर हैं साजिद अली और इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं इम्तियाज अली। और हम इस पे भी बात करेंगे कि हम स्क्रिप्ट राइटर पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं। तो इसकी स्टोरी, जो पहले से हमारे पास किस्सा है, सदियों से चला आ रहा है, कि लैला और मजनू की लव स्टोरी के बारे में है। इसके ऊपर पहले से काफी फिल्में बन चुकी हैं। एक शम्मी कपूर और नूतन की फिल्म थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, 1976 में ऋषि कपूर और रंजीता के साथ बनी थी, जो कि शायद सबसे फेमस फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड की लव स्टोरीज में भी वो बहुत फेमस है। तो 2018 में एक इस फिल्म की रिप्रेजेंटेशन हुई है। इसको ईरान की सेटिंग से निकाल के, पर्शिया की सेटिंग से निकाल के कश्मीर में लाया गया। तो हम वो देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें समझ आ रहा है इसके फिल्म के बारे में, इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में, और इस पे भी डिस्कशन हम करेंगे कि ये फिल्म सफल क्यों नहीं हो पाई तब भी और अब भी रिलीज के बाद। चाहे उसके कंपैरिजन में देखा जाए कमर्शियली इसने कुछ ज्यादा पैसा कमाया है, पर फिर भी इतनी बड़ी फिल्म का, इतनी अच्छी कहानी का एक्सेप्टेंस लेवल उतना क्यों नहीं हुआ, जबकि कश्मीर के ऊपर एक और फिल्म भी बनी थी हैदर, और वो बहुत क्रिटिकली एक्लेम फिल्म भी थी। और इसको कुछ रिव्यूज में मिलता है क्रिटिकल एक्लेम, पर वो हम जानते हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके के रिव्यू होते हैं। कई बार फिल्म जब रिलीज हो रही होती है तो सिर्फ रिव्यू उसी तरीके के जो उसको प्रेज कर रहे होते हैं उसको ही प्रमोट किया जाता है एक तरीके से, नहीं तो टेक डाउन करने के भी कुछ चीजें होती है कि फिल्म कोई आई है उसके ऊपर कोई अच्छा रिव्यू नहीं है तो जो उसके मेकर्स हैं उसको टेक डाउन करवा देते हैं यूट्यूब से। तो इन सब के बीच में हम देखते हैं कि इस फिल्म के बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं कि। तो आज हमारे पास इस फिल्म पे डिस्कशन करने के लिए है परमवीर, और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही, पहले उनको वेलकम करते हैं। हेलो परमवीर, क्या हाल है आपका? हेलो तजिंदर, मैं बढ़िया। आप अपना बताएं, क्या मिजाज हैं आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले हम, क्योंकि ये लव स्टोरी है तो इसके इसी एस्पेक्ट पे ही बात करते हैं कि जो आइडिया ऑफ लव है, आपको इस फिल्म में किस तरीके से आप उसको एनालाइज करेंगे? अगर देखा जाए लैला मजनू की कहानी, जैसे आपने पहले भी बताया कि ठीक है, काफी बार आ चुकी है, बहुत पहले लिखी गई थी, इसका जिक्र भी बहुत हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो प्यार की कहानी होती है, चाहे वो सदियों पुरानी हो, ठीक है, लेकिन जो भी करता है वो बिल्कुल नया लगता है उसे, कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, कि कहानी वही है, सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस फिल्म का सेटअप जो 2018 में दिखाया गया है वो काफी बढ़िया लगा मुझे तो। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें आइडिया ऑफ लव पे, तो हर किसी की अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है कि मोहब्बत है क्या। अगर खुद को सोचा जाए, लाइक आप अगर बॉलीवुड की मूवीज देखें, मोहब्बत दोस्ती है, मोहब्बत कुर्बानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे नैरेटिव्स बना रखे हैं, बट एक्चुअल में मोहब्बत क्या होती है? क्या इंसान खुद को खोके खुद को पा सकता है, या किसी के इश्क में इतना वो मसरूफ हो जाता है कि इतना खो जाता है कि उसे ये भी नहीं पता रहता कि दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, मैं कौन हूं, खुदा क्या है, महबूब क्या है, वो अपने आप में ही पूरा हो जाता है। तो जो मेरा आइडिया है लव का, वो जो इस मूवी में दिखाया है कि किस पागलपन के हद पे जाके एक फाइन लाइन आती है जहां पे दुनिया और दुनियादारी खत्म हो जाती है, सिर्फ आप रहते हो और आपकी मोहब्बत रहती है। उसमें ये मायने नहीं रखता कि आपका महबूब आपके साथ है या नहीं, वो जहनी तौर पे आपके साथ रहता है, मेटाफिजिकली। तो वही चीज है कि इंसान जब अपने आप में खुश रहना सीख ले, जब खुदा उसका महबूब खुदा हो गया, खुदा को वैसे भी किसने पाया है, तो आई थिंक दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इस फिल्म में एक जो इश्क होता है उसके साथ मुकाम के बारे में भी कुछ डिस्कशन जो चलती है सोसाइटी में, सोशल मीडिया में, उसके बारे में भी बात की गई है। तो हम उस उन मुकामों की भी बात करेंगे और साथ साथ ये फिल्म का स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ कहाँ ये
फॉल्टर कर रही है कि इसको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला कमर्शियली भी और क्रिटिकली भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम जो इसके सात मुकाम है इसके, और साथ साथ फिर हम स्ट्रक्चर अपने आप हम उसको साथ साथ ले सकेंगे। जी, सात मुकाम, वैसे सब लोग बात करते हैं कि सात मुकाम होते हैं इश्क के, नेमली देखा जाए दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनू और आखिर में मौत। अब जब कहते हैं इब्तिदाई इश्क होता है, कैसे होता है? बिना देखे तो नहीं होता किसी को, या बिन देखे ही हो जाता है? किससे कहानियों में ये चीजें भी आती हैं, कोई चीज बंदे ने इमेजिन की, मोहब्बत हो गई, उसे ही मान के बैठा अपना सब कुछ, लेकिन जब वो रियलिटी सामने आती है तब क्या होता है? क्या मोहब्बत वैसी की वैसी रहती है या बदल जाती है? तो ये इस फिल्म में तो जो दिखाया गया है रियलिटी है, क्योंकि लैला मौजूद है सामने एज अ पर्सन, कोई इमेजरी नहीं क्रिएट की हुई। तो लैला को देखता है दिलकशी होती है, कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो आप सोचते हो यार इससे बात करनी चाहिए, बात करते हो, फिर और अट्रैक्शन बढ़ती है, फिर उन्स जिसे कहते हैं हम, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, हाँ अच्छा फील होने लग जाता है, उसके बाद फिर आती है मोहब्बत कि हाँ अब प्यार हो गया, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, अकीदत, महबूब खुदा बन गया, आप उसे पूजने लग जाते हो, ठीक है कि वही है, सब कुछ छोड़ देते हो, दुनिया भी नहीं देखते, लोग तो अपने घर वाले भी नहीं देखते, ठीक है, और ये सब चीजें चलती हैं। फिर बात आ जाती है इबादत की, इबादत में तो इंसान खुद खो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं मौजूद कहां पे हूं। फिर बात आ जाती है जुनून की, कि जुनून क्या है, सब कुछ ही खत्म, दुनिया खत्म, दुनियादारी खत्म, मैं खत्म, मेरा अपना आप खत्म, महबूब 24 घंटे मेरे जहन में चारों तरफ मेरे पास, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे क्या बुला रही है, किस नाम से बुला रही है या किस तरीके से ट्रीट कर रही है, मैं अपनी अलग ही दुनिया में खुश हूं। और उसके बाद फिर आखिरी मुकाम तो मौत है ही, ये तो सभी हासिल कर लेते हैं, चाहे कोई मोहब्बत करे चाहे ना करे। तो अगर हम इस मूवी की बात करें तो पहले कैस देखता है लैला को, लैला ने अभी मजनू को नहीं देखा होता, माफ कीजिए मजनू बोल रहा हूं, लेकिन कैस को नहीं देखा होता। तो फिर जब उसके बारे में पता चलता है कैरेक्टराइजेशन, हाँ ठीक है कि लड़की किस तरीके की है, लेकिन अब मजनू के सामने तो, सॉरी कैस के सामने तो पर्दा पड़ गया ना कि हाँ ये मुझे पसंद है, तो चाहे उसकी कितनी भी लोग खामियां बताते रहे वो नहीं मानता, कहते नहीं ये भी इसी के फेवर में जाएगा। तो उसके बाद ओवर द पीरियड जैसे बात होती है, उससे फेस टू फेस बात होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं इनके, लेकिन फिर मोहब्बत बढ़ती जाती है, और फिर एक फेस ऐसा आता है कि जहां पे मोहब्बत की शिखर हो जाती है, जब आखिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जुनून की बात, अकीदत और इबादत की बात ये हम बाद में करेंगे, ये जो पहले चार मुकाम हैं इनकी बात करते हैं कि जब तक ट्रांजिशन नहीं हुई थी कैस की मजनू की तरफ, तब तक की बात है। लेकिन ये चीजें सिर्फ आपको कैस में देखने को मिलेंगी, लैला में नहीं। लैला में अभी भी दुनिया है, दुनियादारी है, जिसे फिक्र है लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, ये सारी चीजें उसके जहन में हैं। वो अगर चाहे भी तो उन चीजों को पार नहीं कर सकती, क्योंकि जो इसमें उनके फादर का करेक्टर है, मसूद का करेक्टर है, वो काफी डोमिनेंट है इस चीज में, और दुनिया जो उसकी एक तरीके से अमरीन जो उसके साथ रह रही है, आप उसकी बहन ही मान लो उसे, तो जो उसके साथ है उस वक्त मौजूद हर पल, वो किन किन बातों से रोकती है उसको, जो रियलिटी दिखाती है कि नहीं असल में ये चीजें होंगी, मत कर ऐसे, ये मत कर, वो मत कर, ये सब बुरा है। लेकिन तब लैला में उन्स, दिलकशी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो भी चाहती है कि कुछ आगे हासिल हो इश्क में, मोहब्बत में। पर उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इसकी जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है लैला मजनू का, कि कहा जाता था कि जो ब्यूटी के हमारे वो हैं स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से वो इतनी सुंदर नहीं थी लैला, और उसके रंग के बारे में भी कहा जाता है कि वो ये जो कैस था वो बहुत सुंदर था, वो उसका रंग काला था, इसलिए कहा जाता है कि वो मजनू कहता था कि मेरी आंखों से देखो इसको। तो उसका जो शुरू में दिखाया जाता है कि दो एस्पेक्ट्स, जैसे कि एक तो ऐसा लगता है कि जो लैला जो प्ले कर रही है अपना करेक्टर, कि वो शी इज ऑलरेडी इन द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव, मतलब उसका लव के, लव करने का जो आइडिया है उससे उसका लव है आइडिया के साथ, और थोड़ी सी उसकी जो फ्लर्टेशियसनेस है, जहाँ उसका जो ये कहना कि मेरी शादी तो होनी ही है, अरेंज मैरिज, वो उसके लिए पहले से ही तैयार है मेंटली,
बिल्कुल चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, जो मर्जी हो, जो कि अभी आया नहीं है, तो उस सोसाइटी में जहाँ वो रह रही है माना जा सकता है कि है। पर ये क्या जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उस चीज को इस तरीके से प्ले करने की कोशिश की है कि ये जो उसका जो कैस के सामने जो उसको थोड़ा सा एक लेवल कम करना, पहले सुंदरता थी, अब ये यहाँ पे उसको एक ट्रेडिशन के आगे सरेंडर करने वाली बना के एक लेवल थोड़ा सा नीचे रखा गया। अब कहा जा सकता है ऐसा, लेकिन अगर आप मूवी में देखें, आपने जैसे बात की कि वो पहले ही थी आइडिया ऑफ लव में, ठीक है, अगर हम मूवी के सीक्वेंस की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में जब वो सपना देख रही होती है कि फिर बोलती है अम्बरीन को, फिर वही सपना, बार बार एक ही चीज का सपना आ रहा है उसे, जिसमें कि वो भालू का मास्क पहने एक लड़का है और उसकी बाली निकाल के भाग जाता है, ये चीज है। और उसके बाद फिर आप ओवर द पीरियड देखोगे, जब कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियों से बात होती है, जिस तरीके के गाने सुनती है बॉलीवुड के, मैंने प्यार किया की फैन है, ठीक है, और ऐसी भी बातें हैं, और गाना जब उसका करेक्टर डिफाइन करना होता है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है, ये लड़की तो गई काम से, वो चीज दिखाने के लिए। अब मूवी जैसे जैसे ओवर द पीरियड प्रोसीड होती है, रन टाइम इसका चलता है सीक्वेंस वाइज या कैसे भी, तो उसमें गानों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनके करेक्टर को पोर्ट्रे करने में। पहला गाना चलता है ये लड़की तो गई काम से, उसके बाद फिर जब कॉलेज का सीन आता है तो उसमें उसकी फ्रेंड जो बोलती है कि ठीक है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस कर लिया, कहते लेकिन तुझे मिला कैसे, अब यहां पे आता है जादुई चश्मे की बात, कहते कि पहाड़ों के पास एक जादुई चश्मा है जहां पे आप कोई भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। अब लैला उस चीज से भी फैसिनेटेड थी, लैला ने ये भी पूछा कि जब तू उसके पास थी तब तुझे कैसा फील हुआ, जब उसने किस किया तुझे तब कैसा फील हुआ। और आपको अगर मूवी में देखो, तृप्ति डिमरी ने जो करेक्टर पोर्ट्रे किया है, आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगेगा कि जैसे शी इज प्लेइंग एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो कि हाँ ये सब हुआ कैसे। सो द आइडिया ऑफ लव जो उसके पहले जहन में था, जिससे वो पहले ही मोहब्बत कर चुकी थी आइडिया ऑफ लव से, तो वो बिल्कुल दिखाई पड़ता है उसके चेहरे से। और बाद में वो अम्बरीन को फोर्स करती है रात के वक्त, चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात में, कि चलो मन्नत मांगने जाना है, अम्बरीन मना कर देती है, लेकिन जब बहाने के साथ उसे बाहर लेकर जाती है और फिर वो चश्मे की तरफ जाते हैं, तो उसके जहन में यही होता है कि आज कोई ना कोई ऐसी मन्नत मांगी जाएगी, तो आप ये देख सकते हो। हाँ, लेकिन फिर वहां पे कैस बट आ जाता है, बट तब भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते क्योंकि अंधेरा काफी होता है, अभी तक दोनों ने देखा नहीं है, जब देखते हैं उसके बाद जो उनके जहन में या ख्याल में मोहब्बत का जो आइडिया है वो किस तरीके से पनपता है वो भी बाद में डिसाइड कर लेंगे। असली बात तो तब हो रही है जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। और ये जो इसका प्यार की बात है, तो ये बहुत ही मुझे जैसे लग रहा है कि वो टीन एज टाइप लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है उसमें तो वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, उनका मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होता है। जब हम पुरानी फिल्म को देखेंगे तो ये अगर कैस को कोई मारता है तो निशान उसके हाथों में पड़ रहे हैं लैला के, बचपन से ही उनका बिल्कुल इतना कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे चीज फिर मैं वही बात लगभग रिपीट ही करूंगा कि बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, शायद जो बाउंड्रीज हैं उसकी फैमिली में लगी हुई, उससे सोसाइटी की बाउंड्री से, कि वो उसको ट्रांसग्रेस करके शायद देखना चाहती है कि दूसरी तरफ क्या है। कैस के लिए वो जो एक पहाड़ का जो है मेटाफर यूज होता है, उसके लिए तो उस साइड पे तो शायद दूसरी दुनिया ही है, जो जब वो चाय पी रहे होते हैं। इसके लिए एक ट्रांसग्रेशन वाली एक लाइन है जिसको क्रॉस करके उसको पता है कि मैंने वापस आना है, वो पहले से ही डिसाइडेड है, चाहे उसको फैंटसी है, सपना भी है, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहती है क्या रियल लाइफ में ऐसा कोई होगा, पर वो प्री डिटर्मिंड लग रही है शुरू से ही। और बिल्कुल, अगर आप अम्ब्रीन, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अम्ब्रीन एक तरीके से वो शायद वो एक एलिमेंट का काम करती है जो कि उसको कह रही है कि हाँ तुझे वापस आना है, उसको याद दिलाने के लिए एक रिमाइंडर की तरह काम कर रही है कि हमेशा तुझे वापस ही आना है जहां तक हम नहीं जा सकते। जैसे वो एडवेंचर, उसका एक नॉवल है इंग्लिश का, एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, क्या नाम है उसका, एलिस इन वंडरलैंड, हाँ एलिस इन वंडरलैंड। तो जैसे एलिस इन वंडरलैंड नॉवल है, उसमें वो वंडरलैंड में जाती है, तो
वो सारी भी एक फैंटेसी वर्ल्ड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक फैंटेसी वर्ल्ड जो उसको ड्रीम में दिखा था उसको रियलाइज होना होता देखना चाहती है, पर फिर भी उसको पता है अपनी बाउंड्री, अपनी रिस्ट्रिक्शंस की मुझे वापस आना पड़ सकता है। अब कहा जा सकता है ऐसा, लेकिन मैं अभी मेटाफर यूज नहीं करूंगा वो पहाड़ वाला, क्योंकि उससे पहले जो चीजें हुई हैं, जब मूवी की स्टार्टिंग होती है पहला मोनोलॉग आता है कि हमारी कहानी लिखी हुई है, इसे हम क्या, दुनिया के लोग क्या, कोई भी नहीं बदल सकता। तो उसमें जो सपने में वो लड़का आ रहा होता है, बाली चुरा के भाग रहा होता है, जो चिनार के पत्ते की तरह होती है, तो बाद में जब आप मूवी में देखोगे मजनू के पास वो सेम एग्जैक्टली वही चीज होती है। सॉरी मैं फिर से मजनू बोल रहा हूँ, कैस के पास वो सेम, क्योंकि जब पहली डेट पे जा रहे होते हैं गाड़ी में जब आके बैठती है तो लैलो से बोलती है कि बिल्कुल ऐसा ही एक मेरे पास था, तो कैस बोलता है कहीं ये तेरा तो नहीं, मैंने भी चुराया था किसी से। तो मे बी वो कहते हैं ना कि हेजी मेमोरी होती है इंसान की बचपन की, तो शायद वो मेमोरी भी काम करी है। मुझे तो यही लगता है कि वही मेमोरी चल रही है उसकी, कि जहां पे, वरना रियलिटी में क्यों दिखाते वो चीज को। और जैसे अमरीन की भी बात हुई कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे हो तो एक रियलिटी चेक देना है आपको, तो वो करेक्टर दोनों तरफ है, कैस का भाई भी जैद, और इसकी अगर बहन मान ली जाए अम्बरीन, वो भी लैला की, जो लैला के साथ रह रही है। और अम्बरीन रियलिटी चेक देने के लिए कैस के करेक्टर के बारे में बताते हैं कि कितना फ्लर्टी है, कि कितनी लड़कियों के साथ इसके रिलेशन रह चुके हैं, और किस तरीके से ये प्लेबॉय है, कि कहाँ पे बैठता है, जैसे चाय वालों के पास बैठ गया, ऑटो वालों के पास बैठ गया, ये सारी चीजें उसे बताती है कि किस तरीके का लड़का होगा। और फिर बात, वो एक डायलॉग बोलती है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डायलॉग, लेकिन फिर वो बोलती है, अमरीन बोलती है लैला से कि शादी तो होनी, तो इन सब चीजों का क्या फायदा। फिर लैला कहती है कि तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि मोहब्बत में होने का मतलब क्या होता है, किसी से इश्क करना कैसा फील होता है, तो वो चीजें चल रही हैं। और एक आप बात अगर कहते हो कि हाँ ठीक है, दुनिया की वजह से, दुनियादारी की वजह से लोग सप्रेस रहते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं वो चीज एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उन्हें दबाया जाता है, ये चीजें आप एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं कर सकते। खुलेआम मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, अपने महबूब का नाम नहीं ले सकते आप, यही चीजें हमें बताई गई हैं। लेकिन उसमें आप अगर देखोगे, लैला जब फाखते उड़ा रही होती है, पहले वो फाखते पिंजरों में दिखाए गए हैं, लेकिन जब वो मोहब्बत में होती है वो फाखते पिंजरों से बाहर होते हैं। तो एक तरीके से वो पैरेलल एक अलग सा वर्ल्ड दिखा दिया है कि जहां हाँ ठीक है, अब परिंदा पिंजरे से आजाद होने वाला है या हो चुका है, तो वो चीज दिखाई गई है। और हाँ, अगर ये भी देखा जाए एस्पेक्ट के, जहां पे दुनिया और दुनियादारी से मतलब ही खत्म हो गया, वो करेक्टर बाद में एज अ मजनू डेवलप होता है, बट लैला वो अभी भी आखिर तक दुनिया और दुनियादारी के बीच में ही अटकी रहती है। तो ये भी साबित होता है कि पूरे तरीके से आजाद नहीं हो पाई वो, लेकिन तो मोहब्बत तो फिर आजादी है, ये अलग डेफिनेशन आ गई मोहब्बत की। नेक्स्ट मैं कैस के करेक्टर पे जाने से पहले उसके भाई या कजन कह लें उसके करेक्टर पे जाना चाहूंगा, जैद पे। जैसे अम्बरीन इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वैसा ही कुछ रोल उसका है जैद का। उसको आप किस तरीके से देखते हो? जैद और अम्बरीन का करेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, जैसे अम्बरीन रियलिटी टच दे रही है, रियलिटी की रियलाइज करा रही है भी एक्चुअल रियलिटी क्या है, और लैला को फैंटेसी वर्ल्ड से खींच के ला रही है, जैद भी रियलिटी चेक देता है मजनू को, ये लड़की किस तरीके की है, क्या इसे लड़के घुमाने का शौक है अपने पीछे, ठीक है बात किसी से करती नहीं, लेकिन फिर भी तो कहते फ्लर्ट है, कहते मतलब कि ठीक है फैन फॉलोइंग ज्यादा है इसकी मजनू, लेकिन फिर भी उसे उसी तरीके से लेके चलता है। और कैस और जैद जब लैला के घर के बाहर अपनी गाड़ी में खड़े होते हैं और लैला को देख रहे होते हैं, तब भी बात चलती है, तो कहता भाईजान ऐसा पीछा करने का क्या फायदा। जैद बोलता है कैसे कि मेरे पास नंबर है, आप नंबर ले लो, लेकिन फिर कैस बोलता है, कहता नंबर तो मैं तभी लूंगा जब वो देगी, कहते ऐसे बात नहीं करेगा फिर, क्योंकि दोनों की फैमिली की अगर बात की जाए तो अगेंस्ट होती है। गुलाम सरवर जिसने पोर्ट्रे किया है कैस का बाप, और मसूद जो लैला का बाप बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कोई राइवलरी चल रही होती है डिस्प्यूट को लेकर, लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होता है और कश्मीर के जो पॉलिटिक्स है उसे भी लेकर, तो ये बातें चल रही होती है, अब दोनों फैमिलीज अगेंस्ट है, तो फिर वो भी रियलिटी चेक कहते कि शादी अम्बरीन ने तभी बोला था कि शादी तो होनी नहीं उसके साथ क्योंकि फैमिलीज अगेंस्ट है। और फिर जैद भी बोलता है कि आपको पता नहीं कि वो किसकी बेटी है, शामिरी की बेटी है, तो फिर उसपे कैसे एक डायलॉग होता है, कहता यानी कि बगावत, खून की नदियां,
तब तो हंगामा होगा जैद मियां। तो ये जो डायलॉग है यानी कि बगावत, खून की नदियां, अगर आपने शोले मूवी देखी हो तो शोले मूवी में जेलर साहब बोलते होते हैं जब गुप्तचर उनके पास खबर लेके जाता है कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और बगावत कर रहे हैं और रिवॉल्वर जेल में पहुंच चुका है, तब वो बोलता है जेलर के, यानी कि एक बगावत, खून की नदियां। तो आप ये भी देखिए कि किस तरीके से जो एक जॉली कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है उसने, कि जिसे पता है कि आगे होना क्या है लेकिन फिर भी एक रिस्क टेकर फैक्ट जो है लेने के लिए वो वहां पे तैयार है। और उसके बाद फिर बात ये भी आती है कि किसी को अगर पैगाम पहुंचाना हो, आजकल तो बहुत आसान है, आप मैसेज कर देते हो, पुराने जमाने में क्या होता था, फाकतों के थ्रू आप चिट्ठियां भेजते थे। तो मजनू पहल करता है इस चीज के बारे में जब लैला नोटिस कर लेती है कि ये मेरे पीछे घूम रहा है, और इनका कन्फ्रंटेशन होता है वहां पे मार्केट में। तो उसके बाद फिर जो घर के बाहर खड़े होते हैं तब वो जैद बोलता है इसे कैस को कि कोई फायदा नहीं है, ये फैमिलीज अगेंस्ट है, कहता फाकते उड़ाती है तेरी भाभी, थोड़ा तो रोमांस रख। और फिर वो चिट भेजता है फाकते के जरिए, जा अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। अब वहां से जो चीज आपको ला हासिल हो, ठीक है, आप उसी के पीछे भागते हो। एंड देन लैला स्टार्टेड एक्चुअली चेजिंग मजनू। ऑलराइट, तो अब मेरे पास हैं दो कैरेक्टर, एक साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एक तो इसके फादर का रोल लैला के, और जिसके साथ इसकी शादी होती है। मुझे वो लगा रहा है कि सबसे वीक कैरेक्टर्स में से एक है। एक तो अगर हम फ्रेम नैरेटिव से कंपेयर करें जो कि ओरिजिनल स्टोरी थी, उसमें तो वो जिसे इसकी शादी करवाई जाती है वो एक प्रिंस है। तो यहाँ पे ये जो इबान है, एक तो ये अभी कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है क्योंकि इसके लैला के फादर की रसूख ज़्यादा है उस सोसाइटी में, तो उसकी हेल्प लेके वो एमएलए बन ही जाता है। पर वो रहता है इसके घर पे ही है, घर जबाई बन के, मतलब वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। और 4 साल का जो एक गैप मिलता है इनकी मैरिज में वो अब्यूसिव भी है। धीरे धीरे हमारे सामने एकदम ही वो निकल आता है कि पहले तो घर पे ही रह रहा है पर वो अब्यूसिव भी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये उसके मिल के आई है, जबकि वो बहुत बीमार था उस टाइम पे मिल के आई थी कैसे। और वो आपका वर्ड, वो तब तक शायद मजनू बन गया था। इसका जो खासकर जो सीन्स है, सीक्वेंसेस है जहाँ पे कैस इनके घर पे आता है उससे मिलने के लिए, और वो जो इनके ऊपर चिल्लाता है बांध, और एक तरीके से बिल्कुल वो एक्टिंग लग ही नहीं रही हो क्योंकि वो कुछ बोलता है और इसके फादर की तरफ देखता है जैसे कोई क्यू ले रहा हो या क्यों दे रहा हो, और हैं करके ऐसे बोलता है जैसे कि मतलब बिल्कुल बेसिक सी एक्टिंग कोई कर रहा हो, या मतलब वो हैम ही कर रहा है, वो एक्टिंग हो ही नहीं रही। तो क्या मुझे सबसे वीक वो लग रहा है करेक्टर, और फादर भी, मतलब अगर इस साथ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो हीर रांझा के साथ एक कंपैरिजन देख रहा हूँ कि जैसे उसमें शादी कर दी जाती है, एक जो नैरेटिव है उसका हीर रांझा का कि उसकी शादी हो जाती है, तो एक ऐसे इंसान से की जाती है जिसकी एक आंख नहीं है। और ये मतलब ये कोई इंटेलेक्चुअल, इसकी इंटेलेक्ट इतनी ज्यादा लग नहीं रही इस करेक्टर की, इबान की। तो क्या मतलब फादर भी पहले से तैयार था कि मैं किसी से भी शादी कर दूंगा, बस इस लड़के से नहीं करनी क्योंकि हमारी दुश्मनी है? हाँ, अपने जो करेक्टर की बात की, काफी वीक करेक्टर है, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इस बात से क्योंकि मुझे लगा वो करेक्टर वीक नहीं है। सबसे ज्यादा वीक करेक्टर था लैला का बाप, जो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाता था किसी की भी बातों से। अगर आप नोटिस करें मूवी में भी शुरू से लेके आखिर तक लोग उसके कान भरते रहे हैं और वो उनकी बातें मान रहा है रेदर देन कि अपनी बेटी की, खुद की बेटी की बात माने। और वो जो इबान की बात कर रहे हैं वो तो मौका परस्त था ही, जब ठीक है पॉलिटिशियन का बेटा था, उसकी एस्पिरेशन थी कि आगे जाके मैंने भी पॉलिटिशियन बनना है। जब उसे पता चला कि हाँ उसके बाप का रसूख बहुत ज्यादा है लैला के बाप का, तो वो हेल्प कर सकते हैं, तो उसे और ज्यादा एम्बिशन, तभी तो वो उसका पीछा कर रहा था हर जगह कि ये जाति कहाँ है, किसके साथ जा रही है, जब बजनू के पीछे, सॉरी कैश के पीछे गाड़ी लेकर चला गया था जी। तो वो सीन भी काफी बढ़िया था इस मूवी में जहां पे वो एक इंटरचेंज कर लेते हैं कि अपनी बहन के घर छोड़ देता है लैला को और खुद उसकी बहन गाड़ी में आके बैठ जाती है। और उस टाइम पे जो उसका करेक्टर था, जिस तरीके से वो कन्फ्रंट करता है, वो भी अजीब है।
और फिर बाद में लोग बताते हैं कि नहीं ये लड़का अच्छा है, वो लोग बता रहे हैं इबान के बारे में कि लड़का अच्छा है, शरीफ लड़का है, गलत गलत फहमी होगी होगी इसके। और फिर बाद में सेम जो सीन कट होता है, लैला के घर का सीन आता है, उसमें वो कान भर रहा होता है पहले से ही उसके बाप के, और उसका बाप उसकी बात मानता है क्योंकि लैला से वो पूछता है कि मेरी कसम खा, सर पे हाथ रख लेता है कि मेरी कसम खा तो किसी के साथ नहीं थी, तब ये मानती है। और बाद में जब लैला वहां से बाहर भी जाती है रात के वक्त, जब मजनू से मिलने जाते हैं, जहां पे वो बातें करते हैं कि ठीक है, कैस कह रहा होता है कि हाँ मैं आप तुम्हारे बाप को मना लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जो बाहर लोग खड़े होते हैं सेफ्टी के लिए, वो भी इबान के साथ जो सिक्योरिटी होती है वही लोग थे। तो उससे ये भी पता चलता है कि किस हद तक वो नजरें रख रहा था उसकी पूरी फैमिली के ऊपर, कि कौन क्या कर रहा है। और आप अगर ये बात भी देखें, हाँ ठीक है एक दो सीन में उसकी एक्टिंग इतनी कुछ जबी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जब वो पहली बार स्क्रीन पे आता है, पहली बार जैसे बातें करता है, मुझे ऐसा लगा कि लोग तभी से उससे नफरत करनी शुरू कर दी थी लोगों ने। एक ऐसा करेक्टर उसने पोर्ट्रेट किया जो एक्चुअल में लग रहा था कि हाँ नेगेटिव, प्रॉपर नेगेटिव लोगों के जहन में पहले से ही आ गया था। फिर बाद में अगर उसके बाप की करेक्टर बात करें, लैला के बाप की बातें मानी, अब कायदे से जब कैस का बाप खुद इतना बड़ा आदमी होके, इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाता है उसके घर, लैला के घर, तो किस तरीके से वो बड़े ही नागवार सा लगता है, बेरुखी से बात करता है कि जैसे तू तो कुछ है ही नहीं। उस सीन में भी अगर आप देखें, इब्बान का बहुत बड़ा रोल है, भी इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की। तो जो उकसाने में इब्बान ने जो प्ले किया है वो काफी बढ़िया था। एंड बाद में जब लैला और इबान की शादी होने वाली होती है उसी के घर में, ठीक है, तब जब कैस कन्फ्रंट करने आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और तब पता चलता है वो कितना वीक करेक्टर वो इबान है, क्योंकि कैस के एक बार ऊंची आवाज में डांटने से वो पीछे हट जाता है और उसका बाप भी उसे पीछे कर देता है कि मैं बात करता हूं। तो कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी वीक नहीं था जितना आप बता रहे हो, उसका बाप ज्यादा वीक था। और मेरे दिमाग में शायद एक वो आइडिया भी है कि उस क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो 2018 की फिल्म है और जो 2019 में चेंजेस आए हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद जो डायरेक्टर है वो कुछ पोर्ट्रे करना चाहता था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना चाहता था एक वहाँ के पॉलिटिशियन के बारे में या उनके कैरेक्टर के बारे में कि वो कितने मॉरल एथिकल हैं, तो शायद एक डिस्कोर्स क्रिएट करने की या डिस्कोर्स को रेफर करने की कोशिश हो रही थी, या शायद वो कुछ एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि जो कि जी 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं कश्मीर में। तो एक बात मैंने देखी इसकी सेटिंग के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी 2014 की हैदर के बारे में, अगर दोनों को हम साथ रख के देखें और किसी इंडिपेंडेंट व्यूअर को दिखाएं कि विजुअली आपको अपीलिंग कौन सी मूवी लगेगी। घर इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, उनसे उस मूवी से ज्यादा अच्छा दिखाया गया घर, पर उसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं कि अगर जब उसके कैस के फादर आते हैं बात करने के लिए रिश्ते की, तो औरतें आमतौर पर घर पे ही रहती हैं उस घर में, पर उस टाइम पे, और वो इतना बड़ा घर नहीं है कि किसी को आवाज ना सुने, तो वो स्ट्रक्चरली एक तरीके से वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। जब वो कैस को ये बोल देती है कि तुम तो पैरों में पड़ने वाले थे मेरे अब्बू के, और अब तुम सिर्फ ऊंची आवाज में ही बात कर रहा था, वो बदतमीजी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं शादी तुमसे इससे कर लूंगी। और दूसरी बात, जब वो उनका जो कोर्टशिप पीरियड भी चल रहा होता है, तो वो घर एक ऊंची जगह पे है और जहां पे वो गाड़ी लेके खड़ा है वो बहुत दूर नहीं है जगह, तो वो भी एक तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि मतलब वो फोन पे भी बात कर रही है, और वो आर्किटेक्चर ऐसा है घर का कि वो किसी भी फ्लोर पे आप बैठेंगे तो आपको आवाज सुनेगी, दूसरी जगह पे भी जाकर दूसरे रूम में सुनेगी आवाज, और वो बिल्कुल साइलेंस है। तो उसमें जब बात करती है तो उनको कुछ नहीं सुन रहा, एक विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मुझे समझ आती है, पर इतनी ज्यादा होती है जब चीजें माइन्यूटली मैं देख रहा हूँ, ये अगर नहीं होती तो क्या होता, वो कैसे करते वो हमें नहीं पता, पर
जो ब्रॉडर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इमेजेस, जैसे कि एक मेमोरी है और व्यूअर की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हैदर का ही विजुअल जो प्रेजेंटेशन है और जो इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन है, घर को अगर हम साइड पे कर दें तो बाकी सारा हमें वो श्रीनगर का या कश्मीर का जो वो एथनिक टच है वो नहीं मिलता। लैंग्वेज आती है, वो स्टार्टिंग में ये भी लैंग्वेज यूज कर रही है, वहां के एथनिक कैरेक्टर्स भी अपनी वो लैंग्वेज यूज करेंगे, कश्मीरी टाइप हिंदी बोल रहे हैं। धीरे 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 सिर्फ वो इबान में रह जाती है, बाकी सारे कैरेक्टर हिंदी पे ही शिफ्ट कर जाते हैं। बिल्कुल, ये दिक्कत है इस मूवी में जो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, क्योंकि मूवी जैसे स्टार्ट होती है, अमरीन का करेक्टर है, लैला का करेक्टर है, या उसके साथ जितने भी दोस्त हैं उसके, तो उन सब में वो जो कहते नहीं कश्मीरी एक्सेंट में हिंदी बोली गई है, ठीक है, वो नजर आती है। अगर आप देखें उर्दू भी काफी कम इस्तेमाल हुई है उसमें, जबकि वहां पे इन्फ्लुएंस ज्यादा उर्दू का होना चाहिए था रेदर देन हिंदी, बट स्टिल उन्होंने कोशिश की है, वो आखिर में आते आते वो खत्म ही हो जाता है। लेकिन जो आप कश्मीर की पिक्चराइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, कि शुरुआत में ठीक है कश्मीर दिखाया गया है ज्यादातर गानों में, जब भी गाने चलते हैं, चाहे तुम नजर में रहो ये गाना हो, सरफिरी गाना हो, या ये लड़की तो गई काम से वो गाना हो, उसके बाद मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता ये गाना हो, तो उसमें दिखा रखा है, गानों में ज्यादा कश्मीर दिखा रखा है, और मूवी के आखिर में जो आखिर के 20 मिनट हैं सारा कश्मीर उसमें दिखा रखा है। सीनिक ब्यूटी की बात करें अगर हम, तो वो चीजें वहां पे हैं। अगर आप घर की बात करो, बिल्कुल, जब कैस का फादर आता है अपना बेटे का रिश्ता लेके, तो वहां पे भी ऊंची आवाज में बात हो रही होती है जब कन्फ्रंट कर रहे होते, तो ऐसा तो है नहीं कि घर इतना बड़ा कि औरतों को ना सुनाई दे, तो कोई औरत दिखाई नहीं देती। अगर आप उसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक ऊंचे लेवल पे है वो घर, लाइक नॉर्मल अगर हम स्ट्रीट से देखें, गली से थोड़ा सा ऊपर जाकर है, हाँ, लेकिन अगर आप देखें हर घर की 3 या 4 साइड्स जो होती हैं, उस घर की अगर हम 3 साइड्स मान लें, तो क्या पता एडजेसेंट रोड यहाँ पे सीन दिखाते हैं जहां पे लैला शाम को बैठी होती है और मजनू गली में खड़े होकर उसे ताड़ रहा होता है कैस, तो क्या पता वो बैक साइड का शॉट हो। वैसे होना तो वैसे ही चाहिए, लॉन भी दिखाया गया है, जबकि जब कन्फ्रंट करने आते हैं तो सामने की तरफ लॉन नहीं होता, तो वो चीज है। स्ट्रक्चर के बारे में ये कहूंगा, और जो बात आपने कही कि लड़कियों को कुछ नहीं सुनाई दिया, अब कट टू सीन जहां पे कैस कन्फ्रंट करने आता है उसकी शादी के टाइम, उसके बाप को, गाने भी चल रहे हैं, शादी की सारी फेस्टिविटीज हो रही हैं, जितने रीति रिवाज है वो चल रहे हैं, ढोलकियां बज रही हैं, और जब मजनू कैस ऊंची आवाज में बात करता है तब कैसे सुन जाता है लैला को इतने बड़े शोर में, फिर वो बाहर आके कन्फ्रंट करती है, जबकि ऐसा भी होना चाहिए था जब कैस का बाप आया था कन्फ्रंट करने तब भी वो वाप बाहर आ सकती थी, लेकिन तब था नहीं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि पकड़े जाने का शौक हो या बंद कर दी गई हो अंदर, क्योंकि बाद में जब सीन दिखाते हैं कन्फ्रंट करके जाता है जब उसका बाप, तो बाद में सीन दिखाते हैं वो कमरे में बैठे हैं, उसकी बुआ और उसकी माँ उसके साथ बैठे हैं और एक तरीके से उसे गालियां ही बक रहे हैं, और एक बात पे तो उसकी माँ थप्पड़ भी मार देती है लैला को, तो ये भी कहा जा सकता है कि उसे बंद करके रखा गया तभी कोई बाहर नहीं आया। हाँ, इसके इंटरप्रिटेशन ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो हम इंटरप्रिटेशन, ये भी हमारे डायरेक्टर को लेके हो रहे हैं, जहाँ स्क्रिप्ट राइटर जो इम्तियाज अली है उसको काफी प्रोमिनेंस मिली है इसकी इंटरव्यूज में भी, और उसके जो डायरेक्टर है उसको साथ में बहुत कम होता है जब प्रमोशन भी होती है कि स्क्रिप्ट राइटर के बैठा हो डायरेक्टर के साथ। मतलब अब हम इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी, जावेद अख्तर और सलीम खान को, उनकी डॉक्यू सीरीज भी चल रही है, पर वो एक्सेप्शंस हैं और यहाँ पे इतना एक्सेप्शनल नहीं है कि हाँ मतलब जी, डायरेक्टर आमतौर पे देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्क्रिप्ट राइटर के बारे में या इम्तियाज अली की ब्रिलियंस के बारे में बात करें, इसमें कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं मूवी के अंदर देखने को मिलेगी जहां पता चलता है कि क्यों इतना एम्फेसाइज किया गया है इम्तियाज अली को। अब अगर बात करें, एक करेक्टर आता है हुस्ना जवा, जो कि मूवी में नहीं है लेकिन जिसके बारे में रूमर फैलाया जाता है कि वो कैस के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसने बाद में कैसे तंग आके दुबई में सुसाइड कर लिया था। अब ये बात अमरीन बताती है उसे, लैला को, कि ऐसे कोई थी, तो लेकिन वो मानती नहीं, इतना यकीन नहीं करती। लेकिन फिर जब दोनों फोन पे बात कर रहे होते हैं, जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं इनके, तो फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रही थी कि हुस्ना जवाज के बारे में,
एंड वो बताता है कि हाँ बड़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि दुबई में सेल लगी हुई है तो उसने वहां जाके सुसाइड कर ली। तो ये बताते हैं कितनी एब्सर्ड बात थी, कितना घटिया रूमर था ये बात। और ऑल्सो जो कैश का फोन नंबर लैला ने अपने फोन में जिस नाम से सेव किया हुआ था, वो नाम भी हुस्न जवाज था उसके नाम से। और फिर बाद में बात आती है कि जब पहली दफा डेट पे जाते हैं, ये जो पहाड़ी पे जाते हैं, तो कैश ने एक ब्लेजर पहना होता है नेवी ब्लू कलर का। और फिर मजनू बनने के बाद जब सबसे पहले मिलता है, मजनू बनने के बाद जो पहली मीटिंग होती है इनकी, तब भी उसने वही सेम ब्लेजर पहना होता है, क्योंकि पहली दफा मिल रहा है, पहले कैश बन के अब मजनू बन के। ऑल्सो अगर आप देखें उस सीन में, इम्तियाज अली ने उसे बोला था कि जब पलट के लैला की तरफ देखेगा मजनू तो बेहोशी, नीम बेहोशी की हालत में आ जाएगा। एंड देन द एक्टर अविनाश तिवारी, इसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया था कि ये ऐसे कैसे होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को देखो आप बेहोश हो जाओ देखते सारी। इम्तियाज अली ने कहा नहीं, आपको ऐसा ही करना है, ऐसे ही प्ले होगा ये। तो फिर जब उसने वो सीन प्ले किया उस तरीके से, और आप मानेंगे नहीं कि वो सीन इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन है, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन दिस मूवी, तो आप डाउट नहीं कर सकते इम्तियाज अली की ब्रिलियंस के ऊपर। और उसके बाद मजनू की जो पागलपन है, जो एक्चुअल में मजनू होता है, वैसे जो पागल लोग होते हैं उन्हें मजनू ही बोला जाता है, ठीक है, तो उसमें जो बाद में जो चिल्लाना है, खुद को नोचना है, उस पार होने की बात हो रही है कि जहां पे दुनिया दुनियादारी खत्म है, सिर्फ मोहब्बत है, यहाँ पे आपका महबूब है चारों तरफ, चाहे आप महबूब को खुदा माने या खुदा को महबूब माने, एक ही बात है। तो जब वो उस फेस में पहुंच जाते हैं, अविनाश तिवारी ने जिस तरीके से वो चीज पोर्ट्रे की है, आई डोंट थिंक कोई और पोर्ट्रे कर पाता उस सब चीजों को। और मैंने ऐसा भी सुना है एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कि अविनाश तिवारी ने इन्हें डायरेक्टर को और इम्तियाज अली को पहले ही बोल दिया था कि ये करेक्टर सिर्फ मेरे लिए बना है, मैं ही कर पाऊंगा, और मुझे पर्सनली ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि अगर इस करेक्टर को कोई और प्ले करने जाता तो शायद इतने बढ़िया से ना प्ले करता। कई जगहों पर लैला की एक्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत लगती है कि हाँ जहां पे अच्छी एक्टिंग नहीं हो रही, लेकिन अविनाश तिवारी की एक्टिंग, जो उसने कैश भट्ट की एक्टिंग की है या मजनू का रोल प्ले किया है, आई मीन दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। तो स्क्रिप्ट में अगर स्क्रिप्ट राइटर अपना इनपुट दे रहा है, उसे जैसी चीज चाहिए वैसे ही करवा रहा है, कई बार ऐसा नहीं होता डायरेक्टर सीन चेंज कर देता है कि नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, या थोड़ी मॉडिफिकेशन चलती है, बट ही वाज स्ट्रिक्टली ऑन द स्क्रिप्ट के नहीं ऐसे ही होगा। तो आई थिंक दैट वेंट इन द फेवर ऑफ मूवी, तो ये काफी बढ़िया डिसीजन रहा इन लोगों का, तभी स्क्रिप्ट राइटर की बात भी हो रही है। एंड ऑल्सो साजिद अली नया था, उनका नाम भी नहीं सुना, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इम्तियाज अली की कोई मूवी लगी हुई है तो लोग भाग कर जाएंगे, मगर जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई थी तब इम्तियाज अली का नाम इतना फॉरवर्ड नहीं आया था, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर का नाम देखता ही कौन है, उन्होंने देखा डायरेक्टर साजिद अली है, नो वन वेंट फॉर द मूवी, और तब लोगों को पता भी नहीं था ये मूवी है किस तरीके की। और मैं ये भी समझता हूं कि लोग, मैं फिर कहता हूं, मुझे भी सिर्फ एक आइडिया ही है कि मोहब्बत होती क्या है, जो लोग इसमें एक्चुअल में होते हैं, एक्चुअल में तो उन्हें पता है ना कि ये क्या चीज है। कुछ लोगों को लगता है जो करंट सिचुएशनशिप है यही मोहब्बत है, करंट रिलेशनशिप जो चल रहा है यही मोहब्बत है, जबकि वो अंदर से तो खोखले ही होते हैं। एक बात ये भी थी कि मोहब्बत किसी को पाने के लिए नहीं की जाती, वो बस चाहने के लिए की जाती है। एक मैं इसकी स्ट्रक्चर पे बात करना चाहूंगा, इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है मूवी का, एक तो पहले इनका जो प्यार डेवलप होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और उसके बाद एक और जल्दबाजी वाली चीज है इसके जो इबान है उसको एक तरीके से पूरे प्लॉट में से बाहर निकालना, ताकि वो दोनों मिल सके। जो ट्रेडिशनल स्टोरी है उसमें तो चेस्टिटी का आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उस सोसाइटी के लिए भी, और अभी भी अगर हम देखा जाए तो कश्मीर में एज अ सोसाइटी वो आइडिया है, इंडिया में भी मोर और लेस वैसा है, कुछ एक यूथ है जो फ्रीडम में विश्वास करती है, तो पर वहां पे जो ट्रेडिशनल स्टोरी है उसमें तो वो कह देती है कि शादी हो जाती है उसकी मर्जी से, नहीं होती पहले,
पर वो कह देती है कि अपने हस्बैंड को ही बता देती है, जो डैनी ने प्ले किया उस फिल्म में ऋषि कपूर वाली में, कि तुम मुझे सिर्फ मेरे बॉडी को, मतलब मेरी सोल को टच नहीं कर सकते, और बॉडी को ही कर पाओगे, और वो भी मेरे मरने के बाद ही कर पाओगे। और कुछ वहां पे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद वो, अगर वो ट्राई करता है काफी टाइम, वो उसको टाइम देता है उसको कि उसकी मर्जी के बिना उसके पास भी नहीं आएगा, वो कोशिश करता है तो वो जहर खा लेती है, तब उनको मजनू को बुलाना पड़ता है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो है, और वो आके उसको बुलाता है, हाथ लगाता है, तो वो उससे भी बाहर आ जाती है। और जब उनको पता चलता है कि उसको मारा जाता है, तो मजनू को, ऋषि कपूर को, तो उसको हंटर पड़ रहे हैं और इसके पीठ पे निशान पड़ रहे थे लैला के, तो वो भी गिव अप कर देता है अपनी तरफ से ही, वो तलाक ही दे देता है कि इनका जो प्यार है, क्योंकि वहां पे उसके हस्बैंड के साथ एक रोल प्ले किया है शायद अरुणा ईरानी ने, वो उसके लिए एक मॉरल ग्राउंड्स का काम करती है कि उसको बता देती है कि वो वैसे नहीं है, उनका प्यार तो बिल्कुल रूहानी टाइप है, तो हमें मतलब उसमें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो निपटा देना या मतलब चेस्टिटी का आइडिया नहीं है, तो क्या ये चीज डालना एक तरीके से हम कह सके कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो वहां पे ये आइडिया कोई ज्यादा दूर की कौड़ी लग नहीं रहा, कि ये कोई एलियन आइडिया नहीं था उस सोसाइटी के लिए, अभी भी कश्मीर के लिए, तो इतना फ्री आइडिया, तो क्या ये स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी जो मतलब खासकर उसके हस्बैंड को एकदम एक एक्सीडेंट में मार देना, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है उसको कैसे हटाया जाए रास्ते से, तलाक वो देगा नहीं, ये दे नहीं सकती। मगर अब वही हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो तीन तलाक का जो बात है, जहां वुमन को कितना राइट है और किस हिसाब से, उसके लीगल पे अगर हम नहीं भी जाएं, तो फिर भी वो कंट्रोल कर रहा है उसकी लाइफ को, अगर वो तलाक नहीं दे रहा तो उसके लिए मुश्किल है औरत के लिए तलाक लेना, इतनी सी हमें समझ है उस लॉ की। ओके, अगर देखा जाए तो ये मूवी एक तरीके से मॉडर्न सेटअप में है, तो आज के दौर में अगर आप ये कहें कि ठीक है मेरे चोट पड़ रही है और मेरे महबूब के निशान पड़ रहा है, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। अगर पर्सनली मैं भी ये चीज करने, हाँ ठीक है मेटाफोरिकली ये काफी बढ़िया रहेगा कि हाँ कितने ये कनेक्टेड हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगेगा। एंड ऑल्सो अगर इबान के करेक्टर की बात की जाए, ठीक है वो घर जमाई बना हुआ है, फिर भी उन सबकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, लैला उसे टच नहीं करने दे रही, तो वो लैला का अगर कहा जाए कि ठीक है मोहब्बत में अगर उरूज है उनकी, तो उसी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली शी वॉन्ट एक्सेप्ट इबान एज हर हस्बैंड, एक्सेप्टेंस नहीं होगी वहां पे। और इबान का करेक्टर एज अ नेगेटिव करेक्टर ठीक है कह रहे हैं हम, बट इबान डिड ट्राई सब कुछ, लेकिन उसकी जबां, उसकी हरकतें, जैसे घर पे आता है शराब पी के तो उन्हें बोलता है कि ससुर जी बैठे हैं, तो उनसे किस तरीके से बात करता है, तो हाथ धुलवाने के लिए बोलता है तब भी, और लैला के साथ मारपीट भी होती है कई जगह पे, और जब कैस वापिस आता है लंदन से उसे भी पता चल जाता है। आप फिर देखिए कि तब भी नजरें रखी हुई हैं कि उसकी फैमिली क्या कर रही है और बाकी क्या कर रहे हैं, तो उसे पूछता है, कहता है मिला ही अपने आशिक से, क्या तुझे पता नहीं वो वापस आ गया है, तब भी वो चीजें भी उसके जहन में है। अगर मॉडर्न सेटअप में देखा जाए तो ये चीजें होंगी, अगर जो पुरानी मूवी में दिखाया ठीक है तब ये चीजें चलती होंगी, मेरे ख्याल से आजकल इतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा वो चीजों को दिखाना, और एब्रप्टली मार देना उसे, मे बी ये स्टोरी की डिमांड हो सकती है, या कहानी आगे भी तो बढ़ानी है, अब मूवी का एक पर्टिकुलर रन टाइम भी होता है, क्या पता उसके कारण उसको थोड़ा और ज्यादा नहीं पोर्ट्रे किया गया या दिखाया गया। और फिर जैसे आपने बात की जो लैला और मजनू की जो मोहब्बत में पड़ने की बात थी, वो काफी जल्दबाजी में किया गया, तो मैं बता दूं कि ऐसे भी मोहब्बत हो जाती है एक चुटकी में भी, उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, जब होनी होती है तब हो जाती है। मैं फिर से कहूंगा जो साथ के साथ जो भी फेस चल रहा है उसमें अगर गाने भी देखा जाए, गाने देखे जाएं, जब किसी अपने दोस्त की शादी में दोनों मौजूद होते हैं और लैला छुपके कैश को देख रही होती है और कैश की नजर लैला की तरफ ही होती है, और पीछे गाना चल रहा होता है लाला जुला जालियो, तो ये शादी के वक्त
कश्मीर का एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो शादियों के वक्त गाया जाता है, ठीक है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नजरें मिलती हैं, मोहब्बत होती है, वहां से एक तरीके से वो स्पार्क इग्नाइट होती है कि हाँ कि अब शायद आगे रिस्क लिया जा सकता है। और बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है, तुम नजर में रहो खबर किसी को ना हो। तो ये गाना भी बड़ा प्यारा है, और उसके लिरिक्स आपको साथ के साथ लिरिक्स देखने पड़ेंगे, वो कहानी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। और फिर जब पहली बार मजनू बनने के बाद जब दोबारा वो मिलता है लैला से, तब भी बैकग्राउंड में यही गाना चलता है, तुम नजर में रहो खबर किसी को ना हो। तो ये बहुत बढ़िया। और स्टार्टिंग में अगर मैं पहली बात कहूं, बिल्कुल शुरुआत में जब कैस बट लैला के लिए रेडियो पे गाना डेडिकेट करता है, जो रेडियो वर्जन है लैला सॉन्ग का जिसे गाया है जॉय बरुआ ने, तो उसमें लिरिक्स चेंज है, सिर्फ ये लिरिक्स सेम है, ओ मेरी लैला ख्वाब तू है पहला, जब से मैं तेरा हूं तब से तू मेरी लैला। उसमें पर्टिकुलर रेस आते हैं कि शहर सारा ये खाली किसी दिन तो हो, सारे झंझट मुसीबत हवस बिन तो हो। तो ये देखना चाहते हैं कि उस टाइम पे वो चाह रहे हैं कि हम मिल पाए प्रॉपर से, क्योंकि लोगों की वजह से वो नहीं मिल पा रहे। मगर जब मूवी का एंड होता है तो लास्ट में वो गाना चलता है कि जहां पे वो पहाड़ी के उस पार, मेटाफोरिकल पहाड़ी के उस पार, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले गए हैं, तब गाना चलता है। उसके लिरिक्स ये हैं कि यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं, जीत ली है आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां। तो ये भी आप नोटिस करें कि जो सॉन्ग्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर बीच में मजनू बनने के बाद जब इद्दत का टाइम, इब्बान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका बाप उसे फिर रोकता है, जब वो बोलती है कि अब तो कोई हमारे बीच में है ही नहीं, अब तो मैं कभी भी मजनू से मिल सकती हूं। और मजनू वहां पे अपने घर में बैठा सब कुछ पैक करके बैठा होता है कि नहीं कि अब तो हम दोनों ने चले ही जाना है, क्योंकि जब उससे पहले मिलती है, दूसरी बार मिलती है मजनू बनने के बाद लैला, तब वो बोलती है कि अब हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर जब इद्दत का टाइम होता है, जब आपका शौहर मर जाता है किसी लड़की का, तो उसके बीच में 1 या 2 महीने का वक्फा होता है जहां पे वो किसी और से शादी नहीं कर सकते या किसी और के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं बना सकते। और इद्दत की बात पे एक वो भी है कि अब फिर मजनू को इंतजार करना पड़ रहा है। एंड देन कम के फिर जब उसे बताती है कि दुनिया है, दुनियादारी है, उसका बाप उसे रोकता है कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पूरी दुनिया में, फिर लैला मजनू को बताती है कि तू वेट कर सकता है मेरे लिए। एंड उस सीन में देखना जो मजनू जिस तरीके से हंसता है सरकास्टिक वे में, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स यार, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता, आशिक के हिस्से आया ही क्या है आज तक, इंतजार। फिर मोनोलॉग स्टार्ट होता है, इंतजार, लंबा इंतजार, डाइवोर्स का इंतजार, इद्दत का इंतजार, सामने खड़ी है फिर भी इंतजार, थोड़ा और इंतजार, बस इंतजार। और फिर बात आती है कि यहां से 10 मिनट की दूरी पे उसका घर, कहता फिर भी मैं उससे नहीं मिल सकता, कहता इससे बेहतर तो मैं लंदन में ही था कि जहां पे मेरे जहन में तो थी, मेरे साथ में थी। और जैसे मूवी आगे प्रोसीड करती है, जब वो अपने फार्म हाउस में चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ, जब एक्चुअल में मजनू मजनू बनता है, पागलपन की सारी हदें खत्म हो जाती हैं वहां पे, तब जब उसका भाई जैद उससे मिलने आता है, क्योंकि जो उस घर में फार्म हाउस में जो हाउस हेल्प रह रहे होते हैं वो कहते हैं भी ये कोई जिन पालता है भाईजान, कोई जिन पाल रहा है, तो वापस मिल जाते हैं कि चल क्या रहा है भाईजान, ये हो क्या रहा है, क्योंकि तब तक तो मजनू ऐसे फेज में चला गया था कि पहाड़ों में घूम रहा है नेचर में, जहां से वो अपने खुदा यानी कि लैला से कनेक्ट कर पा रहा है, अकेला बैठा बातें करता रहता है, चाहे लैला लैला ही होती है उसके जहन में। फिर एक बात आती है वहां पे, लाइक ये भी रेफरेंस देखिए आप, स्टार्टिंग में जब उनकी पहली मीटिंग होती है मार्केट में, कि नहीं क्या तकलीफ है, लैला बोलती है क्यों हर जगह फॉलो करते हो मुझे, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा। एंड देन मजनू जब पहाड़ी पे बैठा होता है नदी के पास, तब फिर वो लैला से, जबकि लैला वहां पे मौजूद नहीं है लेकिन उसके जहन में लैला है, तब बोलते नहीं क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्यों पीछा कर रही है मेरा, क्यों हर जगह पहुंच जाती है, वो सेम ही डायलॉग है पहले। तो वो किस तरीके से लिए गए हैं, उनकी अहमियत क्या है, वो भी गौरतलब है। ऑल्सो कि जब आगे प्रोसीड, हाँ ठीक है मैं ज्यादा बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये बातें समझिए कि ट्रांजिशन जो मजनू की हुई है और जहनी तौर पे वो कहाँ पे पहुंच चुका है,
वो कितना इंपॉर्टेंट है। बात फिर चल रही थी इंतजार की, और फिर वो बात करता है जैद के साथ के, जैद प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं यहां हूं, ठीक है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि 4 सालों से सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये कहते हैं इससे खुश तो मैं वहां था लंदन में कि जहां पे इंतजार नहीं था। फिर वो कहता है, कहते हैं लेकिन अब मैं जहां पे हूं मजनू बनने के बाद कि जो भी कर रहा हूं कि इसमें मैं खुश हूं, इसमें दुखी नहीं हूं, इसमें इंतजार नहीं है, क्योंकि लैला 24 घंटे उसके पास मौजूद है, उसके ख्यालों में, उसके जहन में। और फिर एक किस्सा, ये काफी मशहूर किस्सा है लैला मजनू का, कि जब मजनू लैला से बात करता हुआ लाइक अपने जहन में, लोग तो देख नहीं पाते ना, भी लैला भी उसके साथ, लेकिन मजनू के साथ तो लैला ही है, वो जा रहे हैं अपना, तो मौलवी नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी लैला से बातें कर रहा होता अपने जहन में, उसे नहीं खबर कि चारों तरफ हो क्या रहा है। और मौलवी एकदम से उठते हैं, उसे उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तूने हमारे काफी रहते, तूने हमारी नमाज भंग कर दी, कि हम खुदा की इबादत कर रहे थे और तूने उसमें खलल डाल दी है। और फिर मजनू तब ये एस्टेब्लिश करता है कि खुदा क्या है, वो कहता है कि तब मैं अपने माशूक से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता मेरे चारों तरफ क्या, मुझे नहीं पता आप कर रहे हो, कहता लेकिन आप भी तो अपने माशूक से बात कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां पे मौजूद हूं, क्या काफिर तो आप हैं। तब वो जो मौलवी के साथ जितने भी लोग होते हैं वो उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सेंस के महबूब और खुदा क्या होता है। कुछ लोगों के लिए खुदा ही महबूब होता है, और फिर बाद में महबूब भी खुदा हो सकता है। एक होता है इश्क हकीकी, और एक होती है इश्क मजाजी। मजाजी होती है ये दुनियावी, और हकीकी होती है जो इस दुनिया के पार है, जो कि मजनू पहुंच चुका था वहां पे, लैला काफी देर बाद पहुंची थी। तो जो मुझे समझ आ रही है हमारी डिस्कशन में से, तो मुझे एक सीधा रोल रिवर्सल दिख रहा है लैला और मजनू के आउटलुक में। जैसे शी वॉज इन लव विद द आइडिया ऑफ लव इनिशियली, और उसको पता था दुनियादारी नाम की कुछ चीज है, और धीरे 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 वो उसी में फंसती रही, वो दुनियादारी वर्ड भी यूज करना शुरू कर दिया उसने। और जो कैश था, जो कि बिल्कुल एक तरीके से फ्री स्पिरिट था, अगर वो र्यूमर ही थे उसके करेक्टर के बारे में, तो वो एक तरीके से फ्री स्पिरिट था। और उसका जो मैडनेस के अंदर एंट्री है, क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं है, तो सपोर्ट नहीं है, भाई आता भी है तो वो उससे दूरी हो जाता है, तो जो जिस कंडीशन में वो चला जाता है, शायद वो उसका रोल भी ले लेता है, तो वो उस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पे वो सिर्फ फॉर टाइम बीइंग थी लैला, आइडिया ऑफ बीइंग इन लव, और हेल्यूसिनेशन के लेवल तक चला जाता है कि मैडनेस में, क्योंकि उसको दिखने लगती है आसपास। तो शायद लैला का रोल उस टाइम पे ही इनमेटीरियल हो जाता है इस कहानी में, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसकी उसका इश्क जो है रूहानी हो चुका है। और जो ये पत्थर मारते हैं लोग, उसे भी पड़े थे पत्थर जब वो पागल हो गया था, तो इसकी इतना फेमस गाना कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यहाँ पे लैला उस मोमेंट पे मौजूद नहीं है, वो भी एक कहानी थी फिल्म में दिखाया गया था, यहाँ पे वो नहीं थी, वहां पे उसके लिए पत्थर खाती है वो, यहाँ पे उसे वो इद्दत में चली जाती है और वो पत्थर खा रहा है, वो अकेला ही उसको कर रहा है। और जो पत्थर वाली बात है, जो फिर जिसके लिए कई सर्कल्स में बदनाम भी किया गया कश्मीर को, कि पत्थरबाज है वहां पे, जो ये है वो है, जो ऋषि कपूर वाली फिल्म है वो कुछ अलग टाइम थे, उसमें भी ऐसा ही सीन है, वो ऐसा ही डायलॉग है, पर वो अपनी आंखें झुका लेते हैं, क्योंकि वो मान जाते हैं कि हमसे गलती हुई है, कि हम हमारा शायद इश्क हमारे जो खुदा है उससे, तेरे इश्क से शायद कम था, कि हमें दिख कैसे गया तू। तो वहां पे पत्थर वो इबादत करने वाले पत्थर नहीं मारते, वहां पे सोसाइटी वाले लोग मारते, जो उसका मजाक उड़ा रहे, जो उस पर हंस रहे हैं। और वहां पे लैला भी पहुंच जाती है, अपने महल से निकल के पहुंच जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब ये सारी चीजें किसी ने वो देख के नहीं जाएगा ऋषि कपूर की मूवी को, और वो वाली जनरेशन जिसने 76 में वो देखी थी, वो इम्तियाज अली के बहुत बड़े फैन नहीं भी होंगे, 2-5% होंगे वो लोग जो इसकी मूवीज को भी उतना ही पसंद करेंगे जो ऋषि कपूर को पसंद कर रहे थे, जहाँ उस रियलिस्ट चीज को कर रहे थे। पर ये कुछ चीजें अलग हैं, और जिस तरीके से अलग दिखाई गई हैं
उसकी रिसेप्शन ऑडियंस के साथ सिंक नहीं कर पाई, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है जैसे मुझे लगा, और वो सिंक नहीं कर पाई। कमर्शियल एस्पेक्ट को अगर छोड़ भी दिया जाए, और जो हमें रिव्यूज दिखते हैं उस टाइम पे, इतना बम्बार्डमेंट रिव्यूज की नहीं होती थी, फिर भी कुछ चैनल्स पे हम यूट्यूब पे सर्च करें तो दिख रहे हैं रिव्यू, और उनको वो एक तो रिव्यू करने वाले कुछ अलग दुनिया में है, वो कह रहे हैं कि हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते। लैला मजनू की मूवी के बारे में हम चाहे पूरी कहानी सुना दे, वो स्पॉइलर नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से एस्टैब्लिश्ड कहानी है, और कोई भी रियल वर्ल्ड में रह रहा है तो उसके लिए वो स्पॉइलर नहीं हो सकता। हाँ, डिफरेंसेस जो हैं वो हमें अब हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मूवी एस्टैब्लिश्ड है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है, और शायद इन इन कारणों से मुझे लग रहा है कि वो वीक पॉइंट थे। कुछ पॉइंट्स पे मैं एग्री कर गया परम के साथ भी, कुछ पॉइंट्स पे हम डिसएग्री करते रहेंगे कि वो किस तरीके से एस्टैब्लिश हो रहे हैं। वो मुझे, मेरी और परम की अगर अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होती तो हम में से कोई एक ही इस वीडियो को कर रहा होता, तो वो सिंगल रिव्यू ही होता, क्योंकि हमारी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम दोनों बैठे हैं एक डिस्कशन करने के। और मेरे ख्याल से अभी इस डिस्कशन को हम यहीं पे बंद करते हैं, और लगभग सारे एस्पेक्ट जो हमें समझ में आ रहे थे हमने वो डिस्कस कर लिए, और अगली बार हम दोनों किसी और मूवी पे भी मिलेंगे डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।